आज न्यूजीलैंड में लॉकडाउन का 14th डे है और हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग पे। आप सोच रहे होंगे ग्रॉसरी शॉपिंग लॉकडाउन में, चलो पहले गाड़ी में बैठती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ और बताती हूँ कि कैसे ग्रॉसरी शॉपिंग और हम लोग क्या कर रहे हैं। रोड्स बिल्कुल ही खाली हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल पिक्सल रोमा। आई होप आप लोग अपने घरों पर हैं एंड सेफ हैं। यहाँ पर अभी हम लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और हम लोग लास्ट 14 डेज में फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकल रहे हैं। न्यूजीलैंड जैसे आपको पता भी होगा लेवल 4 के अलर्ट पर हैं और गवर्नमेंट ने जितनी भी सर्विसेज एंड बिजनेसेस हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल कैटेगरी। एसेंशियल कैटेगरी जिसमें से ग्रॉसरी शॉपिंग भी एक है वो ऑपरेशनल है। तो चलिए फिर चलते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग पर। वैसे तो न्यूजीलैंड में सुपरमार्केट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट मुझे पैक एंड सेव आना पसंद है क्योंकि ये बाकियों से मुझे चीप लगता है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं पैक एंड सेव और यहाँ पे वैसे इतनी लंबी लाइन है नहीं। मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे फीडबैक दिया था कि लाइन बहुत लंबी है और बहुत लंबी क्यूइंग के बाद आपको अंदर जाने देंगे। मैं आपको क्यों दिखाती हूँ, सिर्फ 4-5 लोग हैं मेरे से आगे। और चलिए फिर अंदर चल के देखते हैं कैसे और हम लोग किस हिसाब से ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे। ट्रॉली लेना तो मैं भूल ही गई, मैं ट्रॉली लेकर आती हूँ फिर हम लोग चलते हैं अंदर। थैंक यू। जो अभी आपने क्यों देखी वो इसलिए भी थी ताकि सर्टेन नंबर्स ऑफ कस्टमर्स स्टोर के अंदर जा सकें और दी हुई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेफली अपनी शॉपिंग कर सकें। ये सुपरमार्केट का फ्रेश प्रोड्यूस सेक्शन है। यहाँ कंटेमिनेशन से बचने के लिए जगह जगह नोटिस लगा हुआ था कि दूसरे कस्टमर्स को भी कंसीडर करें और उसी फ्रूट को हाथ लगाएं जिसको आपको बाय करना है। एप्पल, टोमेटोज, सम सेलरी, पियर्स। वैसे तो इन आइल्स में बहुत सारे कस्टमर होते हैं बट अभी कस्टमर एंट्रीज कंट्रोल होने की वजह से ये आइल्स खाली थी। ये है मीट सेक्शन। यहाँ पर मीट की बहुत बड़ी वैरायटी है और फ्री रेंज चिकन, पोर्क, बीफ सबके अलग अलग सेक्शंस हैं एंड सब कुछ अवेलेबल है। अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले लिए हैं एंड हम लोग अभी बाय करेंगे डेयरी, जिसमें से सोच रहे हैं कि बड़ा वाला योगर्ट ले लेते हैं। घी, पनीर वेरी एसेंशियल, हफ्ते में 2 बार तो बन ही जाता है। मिल्क ले लेते हैं बड़े वाला। वैसे तो लोगों ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से समझा हुआ है और वो 2 मीटर्स का सोशल डिस्टेंस रख के अपनी अपनी शॉपिंग सेफली कर रहे हैं। ब्रेड, हेल्दी स्नैक्स, पैनिक बाइंग को कंट्रोल करने के लिए जहां किन्हीं आइटम्स पर लिमिट बाइंग थी वहीं कुछ आइटम्स अनअवेलेबल भी थे तो कुछ की रेंज बहुत कम थी। और स्टोर मैनेजमेंट भी टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट करके कस्टमर्स को रिमाइंड करा रहे थे कि हाउ टू डू अ सेफ शॉपिंग।
चेकआउट पॉइंट पर कस्टमर्स के लिए एक डेजिग्नेटेड स्टैंडिंग पॉइंट था और पेमेंट प्रेफरेंस थी कॉन्टैक्टलेस। आज की हमारी ग्रोसरी शॉपिंग, आज का बिल था हमारा $188 का। यूजुअली इतना बिल होता नहीं है, जो आपका यूजुअल बिल होता है वो होता है 80 to $100 का दो लोगों के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेलिंग में ग्रोसरी शॉपिंग दिखाऊं यहाँ की और प्राइसिंग वगैरह, तो लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स, फिर मैं वो पक्का वो वीडियो बनाऊंगी। और अभी हमें लग रहा है कि हम लोग जाएंगे इंडियन स्टोर, क्योंकि मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था लास्ट कुछ दिनों से, और गोलगप्पे तो फिर इंडियन स्टोर में ही मिलेंगे, तो चलिए फिर चलते हैं इंडियन स्टोर। अभी हम लोग पहुंच गए हैं गोलगप्पे लेने के लिए, और ये यहाँ का इंडियन स्टोर है जो कि मेरे घर के बहुत पास है। हेलो अंकल। हेलो। और ये हमारे अंकल हैं। मैं हमेशा यहाँ पर ही आती हूँ इंडियन ग्रॉसरी लेने के लिए, ये मेरे घर के बहुत पास है। और जब तक अंकल गोलगप्पे निकाल रहे हैं, क्योंकि अंकल को पता है मैं गोलगप्पे लेने ही आई हूँ, मैं आपको एक लुक दिखा देती हूँ यहाँ की आइल्स की, क्या क्या आइटम है, कैसे मिल रहा है। और अगर वैसे मैंने आपको बोल ही दिया है, आप मुझे बताना, फिर मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और वैसे यहाँ पे इंडिया का सारा आइटम मिलता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा और आप उसको मिस करेंगे। और चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की आइल्स। ग्रॉसरी शॉपिंग करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क। इसी के साथ हमारी आज की ग्रॉसरी शॉपिंग ख़त्म हो गई है, हम लोग जा रहे हैं अभी घर। घर जाके करेंगे रिलैक्स। और आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे मैंने आपको बताया है मैं और मेरे हस्बैंड एक हॉबीस्ट फोटोग्राफर हैं, तो आप लोग हमारी फ़ोटोज़ चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो प्लीज़ चेकआउट दैट लिंक एंड एक्सप्लोर आवर फोटोग्राफी। थैंक यू।